तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज जो है रामनवमी है और कहीं ना कहीं रामनवमी हमारे क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से, क्या कहते हैं कि अभी नहीं मनाया जाता है, लेकिन अगर वर्तमान सरकार की अगर हालात देखें तो मुझे लगता है 2024 में कहीं ना कहीं राम मंदिर का हम लोग जो है साक्षात दर्शन अपने क्षेत्र में पाएंगे। जैसे कि हम लोग 45 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों का स्थान है। तो आज मेरे चैनल पे एक बार फिर से हमारे भैया जुड़े हुए हैं, कुछ रामनवमी के बारे में आप सभी को संदेश देना चाहेंगे एक तरीके से, और एक तरीके से आप सभी को कुछ बताना चाहेंगे। अगर बातें समझ में आती हैं या ये इंटरव्यू समझ में आता है तो वीडियो को शेयर करें, ताकि हम लोग जो है एक तरीके से समाज को समझा सके, ताकि आने वाला भविष्य कभी कुछ देखे तो उसको चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले भैया नमस्कार, मेरे आपका स्वागत है। तो जैसे कि अपने क्षेत्र में आज रामनवमी है, क्षेत्र क्या भारतवर्ष में आज रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे कि मैं मार्केट आया, देखा सिर्फ आप ही जला रहे हो, मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र में इस तरीके से धूमधाम नहीं है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात सर्वप्रथम रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, रामनवमी हमारे लिए बहुत ही उत्साह का पर्व है। मैं सबसे एक आग्रह करूंगा कि एक दीपक ज़रूर जलाएं घर में। दीपक जलाने से रोशनी आती है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है रामनवमी के लिए, तो ऐसा अवश्य करें। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जैसे कि आज अयोध्या में बहुत ही भीड़ है और भक्तों की भीड़ लगी हुई है, और कहीं ना कहीं हमारा धर्म जो सनातन धर्म है लग रहा है एक तरीके से एकजुट हो रहा है। मैं इस भीड़ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर भीड़ मानिए, जब लोग आएंगे यहाँ पे 2024 में, तो सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लिए क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि टूरिज्म हो गया। देखिए, आप बताइए, महत्वपूर्ण बात ये है, किसी भी क्षेत्र में यदि यातायात बढ़ेगा, और यातायात बढ़ रहा है तो हमें हर तरीके से हमारे अंदर विकास होगा, मार्केट में भी विकास होगा, लोग भी आर्थिक विकास करेंगे, बाहर से टूरिज्म आएंगे तो हर तरीके से मार्केट में उछाल आएगा, और लोगों के अंदर आंतरिक शक्तियों में भी विकास होगा, मानसिक शक्तियों में भी विकास होगा, आर्थिक शक्तियों में भी विकास होगा, सामाजिक शक्तियों में भी विकास होगा। बाहर से लोग आएंगे, दूसरे लोगों से हमको सीखने को भी मिलेगा, भीड़ रहेगी, लोग जलसा होगा, आयात निर्यात बढ़ेगा, लोग रहेंगे तो उससे आर्थिक में भी विकास होगा, लोगों की पूंजी पे भी विकास होगा, और लोग ऑटोमेटिकली जो है हर क्षेत्र में विकास होगा। जैसे कि अभी ये वीडियो, जैसे बहुत बड़े लोग होंगे वो सोचेंगे कि मतलब ज़्यादा क्लियर तरीके से उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमारे भौगोलिक, जैसे कहते हैं ना, भौगोलिक क्षेत्र में विकास, वैसे बहुत लोग देखते होंगे कमज़ोर लोग जो नहीं समझ पाते होंगे, तो उनके बारे में बताइए कि जैसे कि हमारे यहाँ क्या क्या बन रहा है अपने अयोध्या में। देखिए, अयोध्या अब हमारे लिए एक मामूली अयोध्या नहीं है, अब हमारे लिए अयोध्या एक बहुत ही दार्शनिक स्थान हो गया है, जो कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है कि हम इतने संघर्ष के बाद जो है प्रभु श्री राम को के दर्शन पाएंगे 2024 में। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, हमारे हिंदू वर्ग के लिए बहुत गर्व की बात होगी। इसके लिए मैं नतमस्तक इस पावन अवसर पे, प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर, और 2024 में यदि जब मंदिर का निर्माण हो जाए तो लोग अवश्य पहुँचे, और उसकी शोभा को ताकि जैसे कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो वाली रामनवमी मनाई जाती है धूमधाम से और ये वाली नहीं, तो कहीं ना कहीं जब जिस क्षेत्र में विकास होता है तो विकास में चाहे ये वाली रामनवमी हो चाहे वो वाली, तो क्षेत्र के लोग उसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो मेरा एक सभी से गुजारिश ये भी है कि आने वाले सालों में ये भी रामनवमी इतने धूमधाम से मनाई जानी चाहिए, बिल्कुल, कि लोगों को लगे कि अपने अवध में और अवध से जुड़े हुए सुल्तानपुर ज़िले में वाकई में विकास शुरू हो गया है। जी, विकास, मानसिक विकास भी शुरू होना चाहिए विकास के साथ, सामाजिक विकास तो हो ही रहा है,
आर्थिक विकास भी लोग प्रयासरत हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक विकास भी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो मानसिक विकास भी होना जरूरी है। यदि मानसिक विकास नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं विकास में पीछे रहेंगे, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। और मानसिक विकास के साथ धार्मिक विकास यदि नहीं होता, यदि मैं धार्मिक विकास नहीं कर रहा हूँ, मेरे धार्मिक विचार नहीं है, तो मेरा विकास कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा, मैं उस लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाऊँगा। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, मैं अपने विकास पथ पर चलते चलते धार्मिक अपने धर्म ग्रंथ का विकास अवश्य करूँ, और उसके लिए जो भी कर सकें यथाशक्ति यथासंभव प्रयास करते रहें, लोगों को समाज को एक रूपता में जोड़ते रहें। मतलब कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, जैसे कि भगवान राम का जो जन्म हुआ है बहुत ही सहज हुआ है, जैसे नवमी का दिन जो होता है बहुत ही सहज कहा जाता है इतिहास में, बहुत लोग कथाकार जो है बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझाए हैं, मैंने कहीं सुना है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना क्षेत्र जो है बहुत ही मर्यादित क्षेत्र में आता है, अगर उसको अवधि से जोड़ा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, अवधि अवध भाषा हमारे लोगों के लिए तो बहुत गर्व की है कि हम अवध क्षेत्र में जन्म लिए हैं, और यदि अवध क्षेत्र का नागरिक है तो जाहिर है कि उसके अंदर संस्कार अवश्य मिलेगा आपको। और एक तरीके से ये जो क्षेत्र है बहुत ही, मुझे लगता है आधुनिकता के समय में बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, और जैसे कि अब धीरे धीरे इस क्षेत्र का विकास होने के लिए सरकार से भी समर्थन चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति से समर्थन चाहिए, कि ताकि जो है चीज़ें स्पष्ट और अच्छे तरीके से समझ में आए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो है मैं फिर ऐसे इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा और आप सभी को समझाने का प्रयास करूँगा कि हमारे क्षेत्र में क्या है और क्या नहीं है, और इसी तरीके से वीडियो को शेयर करते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।